और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लांट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है, भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं, अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते। खाने वाला जो पान करता, उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो, मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो, हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो, व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परंतु करना रास्ती ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते हैं, कई लोगों को देखा होगा तुमने, बोलो कभी देखा कि नहीं देखा, अरे बोलो जम के बोलो जरा, देखा ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्यों किस लिए, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुलटा हो जाता है, सीधा हो जाता है। जो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह सहज हो जाएंगे, शंकर की उस पे कृपा बनी रहेगी, शमी वृक्ष का इतना भाव है मारे। महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेट कर तुम रुका जी का नाम लेकर, जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा, लच्छा जानते हो, मोली जो हाथ में बांधते हैं नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त तो हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है, तलाक समाप्त तो हो जाता है।